झारखंड ने सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन के अभियान में लक्ष्य से अधिक सफलता हासिल की है। इसकी समीक्षा बैठक अपर मुख्य सचिव सह स्वास्थ्य सचिव अरुण कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई, जिसमें झारखंड आईएमए की महिला विंग की अध्यक्ष डॉ. भारती कश्यप ने अभियान के प्रगति की जानकारी दी। 2021 में बने झारखंड मॉडल के अनुसार 270,684 प्रजनन क्षमता वाली ऐसी महिलाओं की स्क्रीनिंग का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें लक्ष्य से अधिक 281,199 चिन्हित महिलाओं की जांच हुई, जिसमें सर्वाइकल प्री कैंसर के कुल 1,033 संदिग्ध मरीज मिले। अपर मुख्य सचिव ने आईएमए वीमेन डॉक्टर्स विंग की सराहना करते हुए कहा कि वीमेन डॉक्टर विंग को सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन अभियान में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का आधिकारिक पार्टनर बनाया गया है। इस क्रम में एक अभियान के रूप में राज्य सरकार ने सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग आरंभ करी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता जी के नेतृत्व में, और जो टोटल पॉपुलेशन है उस टोटल पॉपुलेशन का 48% महिलाएं हैं, और इन 48% महिलाओं में से करीब 22.5% महिलाएं जो हैं वो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की है, और इन 22.5% रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की महिलाओं में से 6% महिलाओं की जांच करना का लक्ष्य रखा गया। लोग लगभग 270,000 का लक्ष्य था, 278,000 स्क्रीनिंग हमने की, जो लक्ष्य से कहीं ज़्यादा बढ़ करके है। आईएमए महिला विंग ने बहुत बढ़ चढ़ करके योगदान दिया है, और मैं प्रस्तावित कर रहा हूँ उनसे कि हमारे एनएचएम के साथ पार्टनर के रूप में वे आगे आए, एक एमओयू हम लोग हस्ताक्षर करें आईएचएम महिला विंग के साथ, ताकि एक फोकस हो सके, हमारे पदाधिकारियों को भी एक सपोर्ट मिल सके, जिस प्रकार के एनालिटिक्स का उन्होंने प्रेजेंटेशन किया है। और जब उद्देश्य आईएमए महिला विंग का हो, आईएमए का हो, राज्य सरकार का हो, एनएचएम का हो, एक ही उद्देश्य है कि हमारे राज्य की माताओं बहनों को बीमारियों का सामना न करना पड़े, वे स्वस्थ जीवन गुजार सकें, उस दिशा में हम लोग मिलकर कदम बढ़ाएंगे। गौरतलब है कि 2014 से ही आईएमए वीमेन डॉक्टर्स विंग की राष्ट्रीय सह अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर भारती कश्यप के नेतृत्व में राज्य के दूर दराज के इलाकों में मेगा महिला स्वास्थ्य शिविर लगाना शुरू कर दिया था, जिसमें राज्य के दूर दराज के क्षेत्र में पदस्थापित सभी सरकारी स्त्री रोग विशेषज्ञों को दिल्ली और कोलकाता के कैंसर स्त्री रोग विशेषज्ञों के द्वारा सर्वाइकल प्री कैंसर की पहचान एवं कोलोपोस्कोपी गाइडेड क्रायो ट्रीटमेंट का प्रशिक्षण दिया गया। डॉक्टर भारती कश्यप के नेतृत्व में सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन के रोड मैप को बनाने और पूरे राज्य में उसके क्रियान्वयन को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को वीमेन डॉक्टर्स विंग का सहयोग पूरे देश के लिए एक मिसाल है। झारखंड देश का पहला राज्य है जहां 2021 में झारखंड मॉडल बना, जिसके तहत वीमेन डॉक्टर विंग और स्वास्थ्य विभाग झारखंड सरकार द्वारा प्रजनन क्षमता वाली चिन्हित महिलाओं के एक निर्धारित लक्ष्य पर काम किया, जो सीमित संसाधनों में सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लक्ष्य को प्राप्त करने में पूरी तरह सक्षम है। वीमेन डॉक्टर्स विंग की पहल पर 12 बड़े सरकारी अस्पतालों में सर्वाइकल कैंसर की पहचान और प्री कैंसर उन्मूलन की मशीनें लगी हैं। डॉक्टर भारती कश्यप ने कहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के साथ यह अभियान जारी रहेगा। झारखंड मॉडल से जो सफलता झारखंड में मिली है, ये देश के अन्य राज्यों में भी मिल सकती है, इसलिए आईएमए मुख्यालय ने इसे देश के अन्य राज्यों में लागू करने की अनुशंसा भी की है। विमेन डॉक्टर्स विंग आईएमए झारखंड और स्वास्थ्य विभाग साथ मिलकर सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन अभियान पूरे झारखंड में 2014 से चला रहे हैं, क्योंकि हमारे देश में 67,000 महिलाओं की मौत हर साल सर्वाइकल कैंसर से होती है। भारत का दूसरे नंबर का सबसे आम कैंसर है यह, और सबसे प्रिवेंटेबल और सक्सेसफुली ट्रीटेबल कैंसर है। 2014 से चल रहे सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन अभियान को झारखंड मॉडल बनाने के बाद ही बड़ी सफलता मिली है। झारखंड मॉडल 2021 में विमेन डॉक्टर्स विंग, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एवं स्वास्थ्य विभाग झारखंड सरकार के संयुक्त प्रयास से बनाया गया है। इसकी मदद से 278,000 से अधिक प्रजनन क्षमता वाली ऐसी महिलाओं की स्क्रीनिंग पूरे राज्य में संभव हो पाई है, जिन्हें सर्वाइकल कैंसर के लक्षण हैं या जो सर्वाइकल कैंसर के लिए हाई रिस्क कैटेगरी में आती हैं। हमारा लक्ष्य था 270,000 के करीब महिलाओं, ऐसी महिलाओं की स्क्रीनिंग का, और हमने अपने लक्ष्य से भी ज़्यादा प्राप्ति की है।
राज्य में 2021 से अब तक सर्वाइकल कैंसर के संदिग्ध 964 मरीज मिले हैं और पिछले राज्य में 2021 से अब तक यानी 2 साल 7 महीने में सर्वाइकल कैंसर के संदिग्ध मरीज की संख्या हुई है 964 और पिछले 7 महीने में 372 मरीज मिले हैं। अप्रैल से अक्टूबर तक सबसे ज्यादा संदिग्ध मरीज खूंटी में मिले हैं, फिर रांची, बोकारो, पूर्वी सिंहभूम, धनबाद, पाकुड़ और गोड्डा में संदिग्ध मरीज मिले हैं। यह अभियान अभी जारी रहेगा क्योंकि कुछ जिलों में लक्ष्य से काफी कम स्क्रीनिंग हुई है और कुछ जिलों में ज्यादा हुई है और हर साल नए केस भी जुड़ रहे हैं, इसलिए यह अभियान चलता रहेगा। अब मैं झारखंड मॉडल क्या है, अब मैं आपको बताती हूँ कि झारखंड मॉडल क्या है। एक्चुअली WHO की 90-70-90 सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन नीति 230 है। एक्चुअली WHO की सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन नीति 2030 के 3 भाग हैं, 90-70 और 90। 90 का मतलब है कि 25 वर्ष तक की उम्र की जितनी भी लड़कियां हैं 9 से 25 वर्ष की उम्र तक की, उन्हें सर्वाइकल कैंसर के लिए टीके लगाए जाएं। यह संभव इसलिए नहीं है क्योंकि यह बहुत महंगा होता है। 90-70-90 का दूसरा भाग है 70। 70 का मतलब है कि 70% प्रजनन क्षमता वाली महिलाओं की बहुत ही उम्दा हाईटेक पद्धति से स्क्रीनिंग की जाए पैपस्मियर आदि से, जो कि काफ़ी महंगा है और ये भी संभव नहीं है। 90-70-90 का जो तीसरा भाग है वह काफ़ी विकासशील राज्यों के लिए अच्छा है, इसी को हमने लिया है। 90-70-90 का तीसरा भाग यह है कि 90% गर्भाशय ग्रीवा की सूजन से ग्रसित महिलाओं की स्क्रीनिंग कर दी जाए और उनका इलाज कर दिया जाए। अब सवाल यह उठा कि 90% महिलाओं की स्क्रीनिंग कैसे हो। देश के शीर्ष कैंसर स्त्री रोग विशेषज्ञों के साथ स्वास्थ्य विभाग और विमेन डॉक्टर्स विंग की लगातार कई वेबिनारों से के माध्यम से बातें हुई। निष्कर्ष यह निकला कि अगर हम राज्य में 6% प्रजनन क्षमता वाली ऐसी महिलाओं की स्क्रीनिंग सुनिश्चित करें जिन्हें या तो सर्वाइकल कैंसर के लक्षण है या जो हाई रिस्क कैटेगरी की है, तो हम 100% गर्भाशय ग्रीवा की सूजन वाली महिलाओं को स्क्रीन कर सकते हैं और ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं। इसी पर आधारित हम लोगों ने काम शुरू किया और विमेन डॉक्टर्स विंग की पहल पर स्वास्थ्य विभाग ने लगातार कई बार पूरे राज्य के सरकारी अस्पतालों को लिखित आदेश दिया कि हर हफ्ते की 2 दिन सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग का कैंप लगाया जाए। लगातार कैंप होना शुरू हुआ और आज हम लक्ष्य प्राप्ति कर चुके हैं और इसकी हमें बहुत खुशी है। IMA विमेन डॉक्टर्स विंग सूबे की आधी आबादी की सेहत को संजीवनी देने का काम कर रही है और इस मुहिम में सरकार भी लगातार सहयोग दे रही है। ऐसे में वह दिन दूर नहीं जब झारखंड देश का सर्वाइकल कैंसर मुक्त पहला राज्य बनेगा। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।